हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉप कॉस्मोवर्स। स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम सोलर सिस्टम के एक ऐसे प्लैनेट के बारे में जिसे प्लैनेट के कैटेगरी से ही निकाल दिया गया। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये है प्लूटो। आज जानेंगे प्लूटो के सारे रहस्य। वीडियो इंटरेस्टिंग है इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स गो थ्रू द अनएक्सप्लेन्ड कॉस्मोस। दोस्तों, प्लूटो एक कॉम्प्लेक्स और बेहद रहस्यमय जगह है जहां पहाड़, घाटियां, मैदान, क्रेटर्स और शायद ग्लेशियर भी मौजूद है। ये दूर क्यूपर बेल्ट में स्थित है जिसे 1930 में ढूंढा गया था और इसे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट बनाया गया। लेकिन क्यूपर बेल्ट में इसके जैसे और ऑब्जेक्ट मिलने के कारण इसे प्लैनेट की कैटेगरी से ही हटा दिया गया और इसे डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। प्लूटो का साइज यूएसए का आधा होगा क्योंकि ये 1400 मील ही चौड़ा है। ये सन से 3.6 अरब किलोमीटर दूर है और इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में मौजूद है। प्लूटो का एवरेज टेम्परेचर -232 डिग्री सेल्सियस है जो काफी कम है। इसके पास 5 नोन मून है जिसमें सबसे बड़ा चेरोन है जिसका साइज प्लूटो का आधा है। प्लूटो सन का चक्कर 248 सालों में लगाता है। दोस्तों, प्लूटो सन से इतना दूर है कि सनलाइट को यहाँ पहुंचने में 5.5 घंटे लगते हैं और अगर आप प्लूटो पे होंगे तो वहां आपको सन का ब्राइटनेस 900 गुना कम लगेगा अर्थ के कंपैरिजन में। सन के ऑर्बिट के दौरान प्लूटो अपने क्लोजेस्ट पॉइंट पे सन से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर होता है, वही सबसे अधिकतम दूरी पे 49.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक पहुंच जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं। वैसे 1979 से 1999 के बीच प्लूटो सन के सबसे करीब था, नेपच्यून से भी करीब। प्लूटो पे एक दिन 153 घंटे का, और ये भी वीनस और यूरेनस की तरह सन का उल्टा रोटेशन करता है ईस्ट टू वेस्ट, और ये अपने एक्सिस पे 57 डिग्री तक झुका हुआ, यानी ये लगभग टेढ़ा होकर सूर्य का चक्कर लगाता है। दोस्तों, प्लूटो का मून चायरोन बेहद अजीब है। वैसे तो प्लूटो के 5 मून है लेकिन इसका सबसे बड़ा मून चायरोन साइज में प्लूटो का आधा है। ऐसा कोई मून सोलर सिस्टम में नहीं है जो अपने प्लैनेट का आधा हो। ये प्लूटो के काफी पास है चक्कर लगाता है ये प्लूटो के काफी पास से इसका चक्कर लगाता है केवल 19,260 किलोमीटर दूर से, हमारे और मून के डिस्टेंस से लगभग 20 गुना कम। लेकिन इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये एक रोटेशन लगभग 155 घंटे में लगाता है, बिल्कुल उतना ही समय जितना प्लूटो एक रोटेशन सन का लगाता है। यानी अगर आप प्लूटो पे खड़े होंगे तो आपको हमेशा ये एक ही स्पॉट पे दिखेगा, यानी चेरोन प्लूटो से केवल एक ही स्पॉट पे दिखेगा, ना ये कभी राइज होगा और ना ये कभी सेट होगा, है ना अजीब बात। और चेरोन प्लूटो से टाइडली लॉक भी है, यानी चेरोन का एक साइड हमेशा प्लूटो की ही तरफ रहेगा। वैसे चेरोन के अलावा इसके 4 मून और हैं जिनका नाम निक्स, हाइड्रा, कार्बेरोस और स्टिक्स है। प्लूटो वैसे अर्थ का 1/3 है और इसका कोर रॉकी है जिसके चारों तरफ वाटर आइस का मेंटल है। सरफेस पे मीथेन, नाइट्रोजन का आइस है और इसके सरफेस पे पहाड़, घाटियां, मैदान, क्रेटर और बहुत कुछ है। सरफेस पे टेम्परेचर -226 डिग्री सेल्सियस से -240 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ मौजूद पहाड़ हाइट में 2 से 3 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं जो अधिकतर वाटर आइस से बने हैं जिसमें फ्रोजन गैस जैसे मीथेन आइस भी शामिल है। यहाँ 260 किलोमीटर बड़े डायमीटर का क्रेटर भी है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट भी है। जब प्लूटो सन के करीब आता है तो इसके एटमॉस्फेयर एक्सपेंड करता है और जब दूर जाता है तो वही कोलैप्स कर जाता है। प्लूटो की ग्रेविटी काफी कम है अर्थ के कंपैरिजन में 6%, यानी अगर अर्थ पे आपका वेट 60 केजी होगा तो आपका यहाँ पे यानी प्लूटो पे वेट केवल 6 केजी होगा। प्लूटो जैसे जैसे सन से दूर जाता है इसका एटमॉस्फेयर फ्रीज हो जाता है और फ्रोजन होकर ये सरफेस पे गिरने लगता है। वैसे प्लूटो इतना कोल्ड है कि जीवन की होने की संभावना तो ना के बराबर है, लेकिन प्लूटो के सरफेस के नीचे हीट मौजूद है जिसकी वजह वैज्ञानिकों के अनुसार अंदर मौजूद लिक्विड वाटर ओशियन, और अगर लिक्विड वाटर ओशियन है तो जीवन की संभावना भी हो सकती है। प्लूटो एकमात्र प्लैनेट है जिसका नाम एक 11 साल की बच्ची ने रखा था जिसका नाम वेनेटिया बर्नी था। दोस्तों, प्लूटो तक स्पेसक्राफ्ट भेजना काफी कठिन कार्य है लेकिन नासा का स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन ने जुलाई 2015 में इतिहास रचा जब ये प्लूटो के करीब पहुंचा, लगभग 18,000 किलोमीटर दूर। इसे 2006 में लॉन्च किया था और ये प्लूटो के पास पहुंचा
जुलाई 2015 में इसने प्लूटो की काफी सारी फोटोज ली। इसने उसके मून की फोटो ली, उसके सरफेस की फोटो ली, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में हमें बताया। अभी तक न्यू होराइजन ही एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है जो प्लूटो के पास तक पहुंचा, और हमारे पास जितनी भी प्लूटो की जानकारी मौजूद है उनमें से अधिकतर न्यू होराइजन ने ही हमें दी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।